ये है दिल्ली दर्पण, दिल्ली एनसीआर का नंबर वन वेब चैनल। तस्वीरें दिल्ली के रोहिणी इलाके के सेक्टर 22 में 28 जनवरी से शुरू हुई श्रीमद् भागवत कथा के प्रारंभ की हैं। इतनी बड़ी तादाद में कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। रोहिणी सेक्टर 22 पॉकेट 7 से शुरू हुई ये कलश यात्रा जब पूरे इलाके से निकली तो नज़ारा कुछ ऐसा था। रोहिणी के सेक्टर 22 में प्रसिद्ध कथावाचक श्री नवल किशोर महाराज 4 फरवरी तक आध्यात्मिक आनंद की वर्षा करेंगे। रोहिणी में मानक धार्मिक समिति और श्री नंदकेश्वर मंदिर ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस तरह का भव्य आयोजन पहली बार हो रहा है, वो भी महिलाओं के प्रयास से। यहाँ के लोग काफी समय से एक मंदिर बनवाने के प्रयास में भी लगे हुए हैं और खास बात ये है कि इन महिलाओं को इलाके के प्रमुख लोगों का पूरा साथ मिला। चार है तो हमने भी फिर सहयोग दिया, अभी धार्मिक गतिविधियाँ होनी चाहिए और हम भी धार्मिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए सेक्टर 22 में मानव कल्याण के लिए भागवत का आयोजन करने की हमारे मन में आई। मंदिर के लिए बहुत भागदौड़ कर रहे हैं सरकार की तरफ से भी, पर सरकार से हमें अभी सहयोग मिल नहीं पाया है। थोड़ा सा हमारी टीम लगी हुई है जिसमें हमने लेटर वगैरह दिए हैं एमसीडी के अंदर, और हमें कुछ पता भी चला यहाँ पे कुछ जगह के लिए है, उसके लिए भी ढूंढ रहे हैं कि कैसे क्या है क्या नहीं है। कलश यात्रा पूरे विधि विधान के साथ शुरू हुई। कथा आयोजन में महिलाओं की अगुवाई कर रही श्री नंदकेश्वर मंदिर ट्रस्ट की चेयरमैन श्रीमती गोमती तोमर ने इसे प्रभु की मर्जी बताया और सभी सहयोगियों का धन्यवाद किया। मानना है कि जब समाज को हम इकट्ठा करते हैं किसी अच्छे कार्य के लिए तो समाज के अंदर से कुरीतियाँ खत्म होती हैं, लोग अच्छे विचार रखते हैं, धारणाएं अच्छी रखते हैं, और जब तक ये सब कार्यक्रम होता रहता है तो घर के अंदर एक पवित्रता बनी रहती है, मन बड़ा निर्मल रहता है, शांत रहता है, तो घर में कलह कलेश नहीं होती, आपाधापी नहीं होती, तो इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए, यही मेरा प्रयास रहता है। और ज़्यादातर मेरा ये रहता है कि जल्द से जल्द होने चाहिए ताकि लोग इसमें अपना समय देते रहें तो अपने मानसिकता को शांत रखें। 8 दिन तक चलने वाली इस श्रीमद् भागवत कथा में अलग अलग दिन के अलग अलग विषय रखे गए हैं जो इस प्रकार हैं। 28 जनवरी को भगवत महात्म्य एवं नारद चित्रण होगा, जबकि 29 जनवरी को परीक्षित जन्म शुकागमन और भीष्मोपदेश होगा। 30 जनवरी को कपिलोपाख्यान, ध्रुव चरित्र और भरत चरित्र दिखाया जाएगा। 31 जनवरी को प्रहलाद चरित्र, राम जन्म और कृष्ण महोत्सव मनाया जाएगा। वहीं 1 फरवरी को बाल कृष्ण लीला दिखाई जाएगी और 2 फरवरी को महारास लीला और कृष्ण रुक्मणी का विवाह दिखाया जाएगा, जबकि 3 फरवरी को सुदामा चरित्रण और परीक्षित मोक्ष दिखाया जाएगा। अंतिम दिन यानी 4 फरवरी को पूर्ण आहुति एवं भंडारा कर कथा का समापन होगा। अगर आप सब भी इस आध्यात्मिक आनंद की गंगा में डुबकी लगाना चाहते हैं तो चले आइए प्रतिदिन 2 से 6 बजे तक। कैमरामैन सोनू के साथ डिंपल भारद्वाज की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर